और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार आज बजट पेश करेगी। सुबह 11 बजे पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा बजट पेश करेंगे। बजट में कृषि, हेल्थ और एजुकेशन पर खास जोर दिया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं, टैक्स रिकवरी और बिजली सुधार बजट के टॉप एजेंडे में शामिल है। सूत्रों के हवाले से यह खबर। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता से जो वादे किए थे, आज उसका विधानसभा में लिटमस टेस्ट होना है। और सीएम भगवंत मान के लिए किसी अग्नि परीक्षा से ये कम नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बदलाव का वादा कर सत्ता में आई थी और पंजाब में अपने पहले बजट में हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की जाएगी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा सुबह 11 बजे विधानसभा बजट पेश करेंगे। पंजाब के वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस बार सबसे ज्यादा फोकस हेल्थ और एजुकेशन पर होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों के लिए आवंटन में पर्याप्त बढ़ोतरी के आसार हैं। पिछले साल की तुलना में इन क्षेत्रों में 15 से 20% की बढ़ोतरी के आसार हैं। टैक्स रिकवरी और बिजली क्षेत्र में सुधार भी मान सरकार के टॉप एजेंडे में है। बजट प्रस्तावों में जनता से किए वादे भी पूरे हो सकते हैं। इनमें प्रमुख गारंटी 300 यूनिट मुफ्त बिजली शामिल है। खेलों के प्रति बढ़ावा देने के लिए सरकार का हर जिले में स्टेडियम बनाने पर जोर है। बजट में मुख्यमंत्री भगवंत मान लोगों पर कोई नया कर लगाने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि पंजाब सरकार बजट में लोगों पर कोई नया कर नहीं लगाएगी।